तो 30 mm का क्वालिटी कुछ इस तरह दिखता है। देखो ये इतना मोरा तो इसको थोड़ा जोर से डबाना पड़ता है, जोर से डबाएंगे तब मोड़ेगा ये। 0.20 mm 3400 का पर बंडल का। तो भाई लोग, आप लोग को मैं रिटेल प्राइस और होलसेल प्राइस दोनों बताने वाला। तो भाई लोग, मैं फिर से एक बड़ा कुछ नया वीडियो लाइक कर गया। तो दोस्तों यार, बहुत दिन हो गया यार आप लोग के लिए मैंने ऐसा बढ़िया वाला वीडियो नहीं बनाया, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यार आप लोग को भी थोड़ा अच्छा अच्छा वीडियो दिया जाए। मतलब नया नया दुकान खुला हुआ है ये, एक्चुअल में नागालैंड डिमापुर या सतमाल जंक्शन के अंदर में, थोड़ा अंदर में घुसना पड़ता है उसके बाद में ये दुकान मिलता है। वो नया नया खुला, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यार आप लोग को भी थोड़ा मोटा जानकारी दिया जाए यार। तो यहाँ पे एक्चुअल में सबसे ज्यादा से मिलता है टीना, तो यहाँ पे आप लोग को हर एक क्वालिटी का टीना आप लोग को मिल जाएगा, वो भी सिर्फ एक ही कंपनी का टीना मिलेगा आप लोग को, मतलब राइनो गोल्ड का टीना मिलेगा यार। तो इस तरह से कुछ दिखता है, मतलब ये नया नया दुकान खुला हुआ है यार। तो यहाँ पे नया नया दुकान खुला है ना, इसलिए भाई लोग मैंने सोचा यार आप लोग को थोड़ा प्राइस वाइस बताई जाए। और लिखा है राइनो गोल्ड यार, तो आइए असम का कंपनी गिरता है। दोस्तों आप लोग को नहीं पता होगा प्राइस क्या चल रहा है। तो भाई लोग, आप लोग को मैं रिटेल प्राइस और होलसेल प्राइस दोनों बताने वाला हूँ। तो वीडियो में तक बढ़ रहे ना, तब तेरे को पता चलेगा ए टू जेड यार। तो ये 20 mm का, ये 6 फीट का है, राइनो गोल्ड का एल्युमिनियम पॉलिश है। तो आप लोग को थोड़ा और क्वालिटी बता दूं यार, ये एल्युमिनियम पॉलिश के साथ आता है, इसको थोड़ा नीचे में गिरा के देखता है यार, तो इसका क्वालिटी 20 mm का बहुत ही हल्का रहता है भाई लोग। तो इसको ऐसे आप लोग मोड़ोगे तो ये मोड़ जाएगा। ये आप लोग ने देख रहा होगा 20 mm कुछ ज़्यादा ही हल्का रहता है, ये राइनो गोल्ड का है। तो इसमें लिखा होगा राइनो गोल्ड, तो आप लोग को इसमें देख रहा हो राइनो गोल्ड, उसके साथ राइनो का फोटो भी लगा हुआ है। इसमें mm भी कहाँ लिखा है वो भी आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो इसमें mm सिर्फ यार 20 लिखा जाता है, इसमें mm वगैरह नहीं लिखते हैं। तो आप लोग इसमें देख रहा होगा इसमें सिर्फ 20 mm लिखा है, देखो mm वगैरह नहीं लिखा है। तो अगर ये 20 लिखा होगा तो ये 20 mm यार, तो आप लोग इसमें छोकर भी पता कर सकते हो कि इसका क्वालिटी कैसा है यार। तो आप लोग ने कई सारा मेरा वीडियो देखा होगा यार, मैंने क्वालिटी हमेशा देखा, तो आप लोग को हाथ से मोर के पीर के देखा था यार। तो आप लोग वीडियो पूरा देखते हो तब आप लोग को पता चलेगी कौन सा वाला क्वालिटी लेने से आप लोग के, आप लोग का घर के लिए एकदम बढ़िया रहेगा यार। तो यार 20 mm इसको उठा के एक बार रख देते, आप लोग ने क्वालिटी तो देख लिया, देखो कितना हल्का क्वालिटी है। इसका ऊपर में आप लोग अगर पैर रखोगे तो ये चपटा हो जाएगा ये, क्योंकि 20 mm थोड़ा पतला रहता है। वैसे इसका लास्टिंग भी 8-10 साल तो लास्टिंग होता ही है, क्योंकि मेरा घर में भी ये वाला 20 mm का टीना लगाया हुआ है भाई लोग यार, मेरे घर में भी 20 mm का। तो इधर में आते भाई लोग, यहाँ है 20 mm 7 फीट का। तो ये अभी 7 फीट का है, मोटा मोटी यार क्वालिटी तो आप लोग को मैंने दिखा दिया, सिर्फ आप लोग को साइज बता दो। ये है 6 फीट 7 फीट, वहाँ पे 8 फीट है, और लास्ट में 9 फीट है, और 10 फीट तो यहाँ पे रखा हुआ है दोस्तों। तो आप लोग को 20 mm का तो दिखा दिया मैंने, तो आप लोग को एक बार 25 mm का क्वालिटी एक बार आप लोग को दिखा था, उसके बाद मैं आप लोग को प्राइस बताऊंगा भाई लोग। तो 25 mm तो ये रहा हम लोग का 25, इसमें वॉल पे भी लिख दिया 25 mm यार। तो इसको एक बार नीचे में गिरा लेते हैं झटाक से यार, झटाक से गिराएंगे तो हम लोग को पता चलेगा ना रे भाई। तो वैसे दोस्तों आजकल तो गर्म का सीजन है ना, इसलिए मेरा बहुत पसीना निकल गया। वैसे भी मैंने खाना उना नहीं खाया, इसलिए मेरे को थोड़ा भूख भी लग चुका है। तो फटाफट से मैं वीडियो बना कि यार जाने वाला हूँ खाना खाने यार। तो चलो आप लोगों को दिखाते हैं 25 mm का। तो 25 mm का क्वालिटी कुछ इस तरह से दिखता है, मतलब 20 से थोड़ा मोटा रहता है 25 mm का, तो इस तरह से दिखता है जमाइला। तो आप लोग इसको मोड़ोगे तो ये थोड़ा सा मोड़ेगा, ज़्यादा नहीं मोड़ेगा ये, क्योंकि 20 mm से थोड़ा मोटा वाला है ना भाई। और ये एक्चुअली एल्युमिनियम पॉलिश है दोस्तों, इसमें आप लोग देख सकते हो एल्युमिनियम पॉलिश, ये प्योर ओरिजिनल एल्युमिनियम नहीं है, एल्युमिनियम पॉलिश किया गया है इसको। और सिर्फ ये लास्टिंग बहुत करता है यार, आप लोग को पता होगा, क्योंकि बहुत सारा लोग यार एल्युमिनियम कोटेड, इसको एल्युमिनियम कोटेड भी बोला जाता है, मतलब लोगों को अच्छा लगता है, सबका चॉइस अलग अलग होता है ना भाई। तो इसमें लिखा होगा दोस्तों 25 mm इसमें लिखा है, तो mm नहीं लिखा है, सिर्फ 25 लिखा है, 25 हो गया मतलब 25 mm थिकनेस हो गया उसका। तो सबका अलग अलग चॉइस है, कोई कोई तो टाटा शक्ति का बहुत पसंद करता है, कोई कोई राइनो का पसंद करता है, कोई GSW का पसंद करता है, और कोई तो और भी कई सारा कंपनी है, ताज का भी है दोस्तों। तो सबका अलग अलग हिसाब है, और इससे मैं तो हर एक चीज़ का वीडियो बनाता हूँ यार, आप लोगों को देखा था क्वालिटी उसका, आप लोगों को क्वालिटी अच्छा लगे तो आप लोग ले लेते हो ये बस। तो ये हो गया 7 फुट का हम लोग का 25 mm। तो प्राइस भी आप लोग को बताऊंगा, पहले आप लोग को मैं क्वालिटी दिखा देता हूँ, उसके बाद में आप लोग को प्राइस बताऊंगा यार। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं फटाक से हम लोग का। तो भाई लोग अभी आते हैं हम लोग 30 mm भी, तो ये रहा हम लोग का 30 mm, इसको 30 mm बोला जाता है, ये 6 फीट का 30 mm है। तो आप लोग को इसमें 6 फीट 7 फीट 8 फीट 9 फीट 10 फीट 12 फीट तक आप लोग को अवेलेबल मिल जाएगा, और आप लोग को
टीना चाहिए, राइनो गोल्ड का टीना चाहिए तो मैं आप लोग को नीचे में मैनेजर का नंबर दे दूंगा, आप लोग मैनेजर को कांटेक्ट करके अपना टीना वगैरह को ले सकते हो। भाई लोग यार आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोग को मिल जाएगा मैनेजर का नंबर। भाई लोग पहले आप लोग को 30 mm का क्वालिटी थोड़ा दिखा देते हैं, उसके बाद में थोड़ा प्राइस बताने वाला हूँ मैं। तो ये कितना पीस है भाई? एक पीस है। तो 30 mm का सबसे मोटा होता है, इससे मोटा वाला भी आता है, 35 mm 45 mm भी आता है। आप लोग ने देखा होगा मेरा वीडियो, अगर नहीं देखा तो मैं नीचे में वो वीडियो भी दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो। तो ये है 30 mm का। तो यहाँ में नया नया दुकान खुला है इसलिए अभी तक सिर्फ 20, 25 और 30 mm का ही रखा हुआ है। तो 30 mm का क्वालिटी कुछ इस तरह दिखता है। देखो ये इतना मोरा तो इसको थोड़ा जोर से दबाना पड़ता है, जोर से दबाएंगे तब मोड़ेगा ये, क्योंकि ये 30 mm का थिकनेस है ना भाई। तो इसमें थोड़ा देखो थोड़ा हैवी भी थोड़ा मतलब वेट भी थोड़ा ज़्यादा है भाई, ये 25 और 20 mm से वेट भी थोड़ा ज़्यादा ही है। तो इसका mm की बात करें तो इसका mm इसमें लिखा होगा भाई लोग यार कहाँ पे लिखा होगा एक बार देख लेते हैं। इसमें लिखा है 30 mm यार, क्योंकि राइनो गोल्ड का है तो आप लोगों ने देख लिया। वैसे भी राइनो गोल्ड का और एक दो वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल में, वैसे वो तो पुराना हो गया, उसमें पुराना अपडेट आप लोग को मिल जाएगा, मतलब पुराना प्राइस क्या है। और वैसे भी आजकल नया नया 2023 का प्राइस भी थोड़ा अपडेट हो चुका है, इसलिए मैंने सोचा आप लोग भी थोड़ा प्राइस बताई जाए। आप मुद्दे पे आते हैं प्राइस की बारे में यार, तो प्राइस कितना होगा यार? तो मैं पहले आप लोग को प्राइस बताने से पहले आप लोग को और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि एक बंडल में कितना पीस आता है, क्योंकि ये बंडल इस सब में प्राइस होता है भाई लोग। तो 6 फिट का जो बंडल है ना भाई लोग, जो 20 mm या 30 हो 35 हो जो भी हो, तो 6 फिट का जो बंडल होगा मतलब उस बंडल में कितना पीस आएगा, उसमें 12 पीस आएगा। 6 फिट का 12 पीस आएगा और 7 फिट में 10 पीस आएगा, 8 फीट में 9 पीस आएगा, 9 फीट में 8 पीस आएगा, 10 फीट में 7 पीस आएगा, 12 फीट में 6 पीस आएगा। मतलब जितना आगे बढ़ेगा उतना पीस कमती होते रहेगा। तो चलो प्राइस के बारे में बात करते हैं। पहले यार मैंने इधर में पूरा लिख दिया प्राइस क्या क्या है, ताकि मेरे को कभी कभी यार आदमी यार भूल तो जाता हूँ ना, इसलिए इसमें लिख गया। राइनो गोल्ड कस्टमर प्राइस 0.20 mm 3400 का पर बंडल का। आप लोग को पीस वूस चाहिए तो आप लोग डिवाइड कर सकते हो, फिर भी आप लोग को नहीं पता है तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं पर पीस का प्राइस आप लोग को बता दूंगा। और इसमें लेगा 0.25 mm, इसमें पर बंडल का 4100 है। फिर भी आप लोग एक दो पीस लेना चाहते हो तो मैं डिवाइड करके आप लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, फिर भी आप लोग को नहीं पता डिवाइड कैसे करते हैं तो आप लोग मेरे को कमेंट कर दे सकते हो, मैं पर पीस का प्राइस बता दूंगा। और ये 0.30 mm, ये 4900 गिरेगा पर बंडल में। अगर आप लोग को पीस में चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप लोग डिवाइड कर सकते हो। कमेंट कर दोगे तो आप लोग को 2 मिनट में रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये 3 क्वालिटी है मेरे पास, 20 mm का 3400, 25 mm का 4100, 30 mm का 4900 रुपया। लंबाई के बारे में आप लोगों को तो पता चल ही गया, आप लोगों को नहीं पता है कि चौड़ाई कितना आता है इस टीना पे यार। तो चलो यार मेजरमेंट टेप ले लेते हैं और आप लोगों को दिखा देते हैं पूरा A to Z चौड़ाई में कितना आता है। अगर मैं मुँह से बोलूँगा तो आप लोग कोई लोग तो विश्वास नहीं करते, इसलिए मैं टेप से दिखा दूंगा भाई इतना फिट आता है। तो भाई लोगों और एक चीज़ आप लोग को बोलना चाहते हो, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस टीना की ऊपर में एक्सपेरिमेंट करके देखूं, यानी आप लोग ने एक वीडियो देखा होगा कि मैंने टीना को एक्सपेरिमेंट किया था, उसके ऊपर मैं लात मार मार के उसको एक्सपेरिमेंट किया था यार, उसके ऊपर मैं जंग मारा था। तो आप लोग भी चाहते हो कि राइनो गोल्ड का ऊपर में भी एक एक्सपेरिमेंट का वीडियो बनाऊँ, तो उसका ऊपर में भी मैं एक वीडियो बना दूंगा एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, मतलब टीना का हालत क्या होता है यार। तो आप लोग का अगर डिमांड ज़्यादा आएगा तब ये वीडियो मैं बनाऊंगा, नहीं तो मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगा। लोग देखते हैं कि चौराई में कितना फीट आता है यार। तो ये हम लोग का मेजरमेंट टेप है, मेजरमेंट करके देखते हैं एक बार, इधर से लगाओ इधर में 2.6 मतलब 2 फीट 6 इंची का आता है यार चौराई में। आप लोग इसमें देख रहा होगा 2.6 फीट, मतलब ये जितना भी टीना आता है भाई लोग यार ये साइज वाला ये 2 फीट 6 इंच का आता है चौड़ाई में दोस्तों। तो इसमें यार 3 फीट का भी आता है, 4 फीट का आता है, अलग अलग साइज भी आता है दोस्तों। और इसी मार्केट में यहाँ पे नगालैंड डिमापुर में सबसे ज्यादा जो चलता है 2.6 फीट का ज्यादा चलता है, इसलिए वही साइज ज्यादा रखा जाता है भाई लोग यार। आप लोग को पता होगा अलग अलग मतलब स्टेट में अलग अलग साइज मिल जाता है, तो यहाँ पे भी इन फ्यूचर में आप लोग को अलग अलग साइज मिल जाएगा भाई लोग। तो यहाँ पे जो है ना 1, 2, 3 तीनों भी 10 फीट का ही है, होने से थिकनेस अलग अलग है। ये 25 mm का है, आप लोग इसमें देख रहे होगा 25 mm, और ये 20 mm का है और ये 30 mm का है। तो मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ यार, अगर आप लोग 25 mm का टीना ले रहे हो यार, तो आप लोग एक बार टीना में आके यार एक एक पीस को यार उसमें ना mm देख लेना यार, 25 mm लेकर है कि नहीं है यार। नहीं तो कोई कोई होता है ना ऐसे कि 25 mm बोलते हैं और इसी भी देते हैं आप लोग को सिर्फ 20 mm यार, आप लोग को ठगा देते हैं यार भाई लोग यार। आप लोग इतना मतलब केयर नहीं करते हो यार। तो आप लोग अगर टीना वगैरह ले रहे हो ना भाई लोग यार, तो आप लोग एक बार ज़रूर यार अपना टीना में एक बार देख लेना कि इसमें जो mm आप लोग ले रहे हो उसमें लेखा है कि नहीं, वो देख लेना यार। तो सभी में लिखा होता है दोस्तों 20 mm या 25 mm, ये देखो आप लोग इसमें 20 mm लिखा है, इसमें 20
इसमें भी देखो 30, तो मतलब हर एक पीस में मतलब एमएम उसका लिखा हुआ रहता है यार। आप लोग ऐसा मत समझना कि ये लिखा नहीं हो रहा है। आप लोग को कोई कोई दुकानदार बोलेगा कि नहीं भाई जी इसमें लेकर नहीं आता है यार, तो समझना नहीं यार, वो दुकानदार आप लोग को ठगा रहा है भाई लोग यार, क्योंकि जब तक आप उन्हें कोई टेंशन लेने का नहीं रहे भाई। तो भाई लोग यार आप लोग अगर टीना तो ऐसे लगाओगे अपना घर में यार, तो उसका ऊपर में आप लोग को रेजिंग भी चाहिए ना, तो वो ये वाला रेजिंग है भाई लोग यार, आप लोग तो ये रेजिंग है भाई लोग, इस तरह से लगाई जाता है। तो आप लोग को मैंने रेजिंग का प्राइस नहीं बताया, उसका क्वालिटी नहीं बताया, तो इसमें भी लगभग सेम क्वालिटी आता है, जैसे टीना में आता है 20mm, 25mm, 30mm, उसमें भी ऐसे ही आता है 20mm, 25mm, 30mm यार। तो आप लोग को थोड़ा एमएम दिखाना चाहता हूँ यार, ये कितना एमएम का है, जैसे आप लोग को भी अगर पता चले तो इसमें ज्यादा से जो लिखा हुआ रहता है वो मिट जाता है। तो आप लोग को इसमें देख रहा हूँ ये 30mm का ये 30mm का ये, तो आप लोग अच्छे से देख लेना भाई 30mm ये राइनो गोल्ड का ये एकदम बढ़िया क्वालिटी का। तो आप लोग को मैं 10 फीट का प्राइस बता देता हूँ, उसमें ना 6 फीट, 8 फीट, 10 फीट तीन साइज आता है इसमें, तो आप लोग मैं बताऊंगा सिर्फ 10 फीट का प्राइस। तो 20mm का जो प्राइस होगा ना 10 फीट का वो 400 रुपया होगा, और जो 25mm का है ना वो 10 फीट का 500 रुपया होगा, जो 30mm है ना वो 10 फीट का 600 रुपया होगा। बाकी अगर आप लोग इस दुकान में आओगे तो थोड़ा मोटा डिस्काउंट हो सकता है, मैंने जो बोलते ये नहीं कि ये फिक्स प्राइस है यार, तो आप लोग को थोड़ा मोटा डिस्काउंट तो मिल जाएगा, जितना मैंने आप लोग को टीना का प्राइस बताया भाई लोग यार, उसमें आप लोग को थोड़ा मोटा डिस्काउंट मिल जाएगा यार। तो ये 6 फीट का है भाई लोग, और ये 8 फीट का है, और यहाँ पे 10 फीट का रखा हुआ है। देखो तो यहाँ पे एक्चुअली में जगह थोड़ा छोटा है ना भाई लोग, तो यहाँ पे इसलिए नीचे में 10 फीट को नीचे में रखा हुआ है, 8 फीट और 6 फीट को ऊपर में रखा हुआ है। तो ये तो रिटेल प्राइस हो गया भाई लोग, ये जैसे कि 20mm का 3400 हो गया, 25 का 4100 हो गया, 30 का 4900 हो गया। तो आप लोग अगर ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, अगर आप लोग को 20 बंडल, 30 बंडल, 50 बंडल चाहिए, तो आप लोग को उसी प्राइस से आप लोग 250 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा मेरे साइड से दोस्तों। स्पेशली आप लोग अगर मेरे साइड से आते हो तब आप लोग को 250 रुपीज़ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो भाई लोग यार अभी तो वैसे नया दुकान है, इसलिए आप लोग को सिर्फ टीना वगैरह तो मिल जाएगा, हार्डवेयर का सामान आइटम भी थोड़ा मोड़ा मिल जाएगा। एक दो महीने के बाद यार आप लोग को पूरा ए टू जेड हार्डवुड का मटेरियल पूरा मिल जाएगा यार, क्योंकि नया नया दुकान खुला है ना, इसलिए मैंने सोचा पहले आप लोग को थोड़ा टीना के बारे में प्राइस बताई जाए। तो 2-3 महीने के बाद जब पूरा सामान आ जाएगा ए टू जेड हार्डवेयर का, तब जाके और एक वीडियो बनाऊंगा मैं, तब जाके आप लोगों को पता चलेगा ए टू जेड यार। तो इस दुकान में आप लोगों को हार्डवेयर का जितना भी आइटम आता है, मतलब घर का जितना भी आइटम आता है पूरा आप लोगों को मिल जाएगा, टीना से लेके हैंडल से लेके पैंट से लेके जाली से लेके वाटर प्रूफ सीमेंट पाउडर से लेके ए टू जेड पूरा आप लोगों को मिलेगा। बस आप लोगों को सिर्फ कॉन्टेक्ट करना है और आना है यार। तो वैसे भी यार आप लोग को तेनी भी साइड में सोको भी साइड हो गया, उसके बाद में और भी उस तरफ हो गया, जालों के वगैरह हो गया, उधर से आप लोग आते हो तो आप लोग यहाँ से आप लोग सामान वामान ले जा सकते हो, क्योंकि आप लोग अगर टाउन में मतलब हाईवे पे जाओगे तो आप लोग को फिर वो घुमा के आना पड़ेगा, तो आप लोग लॉकआउट हो गया। तो आप लोग अगर लेना चाहते हो तो आप लोग इधर से आके डायरेक्ट आप लोग इधर से लेके जा सकते हो। आप लोग ईटा बालू वगैरह भी आप लोग को मिल जाएगा, सिर्फ एक बार आके अपना इस दुकान में विजिट करना है। तो भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद यार। आप लोग को इसी तरह से कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं हार्डवेयर के बारे में हर एक चीज़ का जानकारी देता हूँ। जब तक आपने कोई टेंशन लेने का नहीं रहा भाई प्राइस के बारे में, क्वालिटी के बारे में यार, आप लोगों को सिर्फ मेरे को कमेंट कर दिया, उसके बाद में मैं आप लोग को देखो क्या क्या बना के भेजता हूँ। तो आप लोग मैं अपना जो दुकान है दुकान का लुक थोड़ा दिखाना चाहता हूँ यार, तो आप लोग को थोड़ा मोरा देख लीजिए स्टार्टिंग में, बाद में तो अच्छा उच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ दिखता है रे भाई, अभी नया नया खुला है ना, इसलिए मतलब थोड़ा मोरा रखा हुआ है सामान वगैरह यार। तो यहाँ पे तो ये मेरा भैया जी है, तो मैनेजर है भाई लोग यार, एक बार सलाम कर दीजिए।